फ्री फायर क्यों बैन हुआ, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि फ्री फायर जो वो बैन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्यों बैन हुआ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आगे कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि मैं अपने वादों से कभी मुकरता नहीं हूं। चलिए जानते हैं कि फ्री फायर को क्यों बैन किया गया। आपको बता दें कि सिर्फ फ्री फायर ही नहीं बल्कि टोटल 54 ऐसे एप्लीकेशंस हैं, चाइनीज एप्लीकेशंस हैं जो बैन किए गए हैं। बट सुनने को ये मिल रहा है कि फ्री फायर जो है वो बैन क्यों हुआ है, इसका रीजन ये है कि फ्री फायर का जो पैरेंट कंपनी है, जो कोई ऐसा इंसान जो पहले चाइना का था और फिर बाद में वो सिंगापुर का हो गया, इन सारे एप्लीकेशंस को बैन करने का स्पेसिफिक रीजन ये है कि जो है ना हमारे डेटा को लेकर चाइना भेजता था, चाइना के किसी सर्वर में जाके स्टोर करता था। ओवरऑल आप ये कहें तो चाइना का पूरा कंट्रोल था हमारे डेटा के ऊपर, इसी वजह से बैन किया गया है। अब आप सोचेंगे कि डेटा लेके क्या करेगा। मैं आपको बता दूं कि डेटा की जितनी वैल्यू है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरा ये मानना है कि डेटा की जो वैल्यू है ना वो मनी के बराबर है, यानी लोग डेटा से पैसे कमाते हैं। डेटा मतलब क्या, आपकी पर्सनल डिटेल्स। बहुत सारे एप्लीकेशंस में ऐसे ऐसे परमिशन मांगते हैं कि आप ध्यान में नहीं देते और ओके अलाव अलाव करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा डेटा चला जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि ट्रू कॉलर कितना डेटा लेता है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। तो ट्रू कॉलर की तरफ से मुझे एक मेल आया था कि भाई आप गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई तुम मुझे बस गलत साबित करके दिखा दो, मैं मान लूंगा। फिर उसका दोबारा कोई मेल ही नहीं आया। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा यानी पर्सनल डिटेल्स, जैसे आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आपके फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितनी फ़ोटोज़ हैं, कितनी वीडियोस हैं, किस टाइप की वीडियोस हैं, क्या चैट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे क्या सर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशंस के माध्यम से आपका डेटा चाइना के पास जाते रहता है। इसी वजह से भारत सरकार ने इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। हालांकि 54 एप्लीकेशंस है, लेकिन मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस का नाम बताता हूं जो शायद आप सुने हों, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं एक एक करके बताता हूं, बस कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूं। ये देखिए, ब्यूटी कैमरा स्वीट सेल्फी HD। आजकल फोटो का जमाना है, लोग सेल्फी लेते हैं हर जगह, तो उन्होंने मतलब चाइना के लोग कितना ज्यादा स्मार्ट है आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे। स्वीट सेल्फी फोटो, वो भी HD। अगर आपको बहुत बहुत अच्छी तस्वीर चाहिए, अच्छी सेल्फी चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, ऐसा चाइना लोगों का कहना था, इसलिए वजह से उन्होंने ये एप्लीकेशन बनाया था। हालांकि ये सारे एप्लीकेशंस जो है वो बैन हो चुके हैं, ठीक है। और आगे बताता हूँ, सेल्फी कैमरा, वही बात, बेस बूस्टर एंड वॉल्यूम इक्वलाइजर एंड वर्चुअलाइजर, ये साउंड के लिए आता है। म्यूजिक प्लेयर, पैरेलल स्पेस लाइट, जैसे किसी एप्लीकेशन का क्लोन बनाना है, जैसे एक ऑफिशियल व्हाट्सएप है, ठीक है, तो उसका डबल करने का है, मतलब दो आपको व्हाट्सएप यूज़ करने का है। मैं GB या फिर OG व्हाट्सएप या ये सब जो होता है ना, APK वगैरह लोग डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर मैं बिजनेस व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक ही व्हाट्सएप को डबल कर देना, या फिर एक ही फेसबुक, या फिर एक ही वाइवर, स्काइप, कुछ भी हो, उसको डबल करने के लिए ये पैरेलल स्पेस का यूज़ होता है, वो भी लाइट। मतलब सुनने में ऐसा लग, लाइट यानी कम जगह लेगा वो। आगे है वीवा वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटिंग के लिए। हालांकि इसका मुझे स्पॉन्सर के लिए मेल आया था, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे इसके बारे में पता था। और है APUS सिक्योरिटी, वो भी पेड वर्जन। सिक्योरिटी क्या है भाई, जब डेटा तुम खुद ले रहे हो, वो भी पेड है। ऐप लॉक, वो ऐप लॉक कर रहा है कि भाई डेटा ले रहा है तू। वॉइस रिकॉर्डर एंड वॉइस चेंजर, आवाज चेंज करने के बदले भाई तुम अपना डेटा गवा दो। MP3 कटर, भाई MP3 को कट तो करेगा ही लेकिन तुम्हारा डेटा भी ले लेगा। UU गेम बूस्टर, नेटवर्क सॉल्यूशन फॉर हाई पिंग। बच्चे लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई गेम का जो पिन है वो हाई हो जाता है, जितना ज़्यादा लो रहता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है गेम खेलने के लिए। हालांकि बच्चे हैं, उन्हें ये सब थोड़ी ना पता होता है कि डेटा जो है वो चाइना के पास जा रहा है, चाइना के सर्वर में स्टोर हो रहा है, उन्हें बस पिंग लो चाहिए, इसलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते थे। खैर अच्छा हुआ जो बैन हो गया। आगे है क्यूट यू मैच द वर्ल्ड, आप क्यूट हैं, वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। वो वीडियो कॉलिंग जो होता है ना, लड़की, बहुत सारे लड़की होती है, बहुत सारे लड़के होते हैं, आपस में मतलब वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, मतलब तरह तरह की बातें होती हैं वहाँ पे, जो कि अच्छी नहीं होती है। तो इन्होंने बनाया है कि क्यूट यू मैच द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड के साथ मैच कर जाइए, आप वर्ल्ड में कौन है, आप किसके साथ मैच हो रहे हैं आप देख लें। फैंसी यू वीडियो चैट एंड मीटअप, वीडियो चैट, रियल यू गो लाइव मेक फ्रेंड्स, मून चैट,
इंजॉय वीडियो चैट, पता नहीं कौन सा ये मून चैट है, मून चैट मीट पीपल अराउंड यू। खैर ये सारी एप्लीकेशंस जो है वो बैन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्री फायर जो है वो वापस आ सकता है या नहीं। अगर मैं अपने अंदाजे से बोलूं तो वो फिर से वापस आ सकता है, लेकिन कैसे? इसका रीज़न ये है कि वो नाम बदल कर आ सकता है। हालांकि कई सारे एप्लीकेशंस आए भी हैं और मेरा जहां तक अनुमान है कि प्ले स्टोर पे अभी भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जो चाइना के होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी डेटा प्यारी है तो आप ऐसे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ना करें, कहीं से भी कोई भी एपीके इंस्टॉल ना करें, नहीं तो फिर बाद में आपको पता चलेगा कि किसी देश में आपकी फ़ोटो को, आई मीन गंदी फोटो को एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है। नहीं समझे, मतलब आपके फोटो को एक गंदी एडवर्टीजमेंट के तहत दिखाया जा सकता है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे क्योंकि अपना डेटा आपने खुद चाइना को दे दिया है। कहीं से भी कोई भी एपीके वगैरह इंस्टॉल ना करें, ये आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। अगर अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी कमेंट में मेंशन जरूर करें ताकि मैं उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बना सकूं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।